की एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली रेखा, 67 की उम्र हो या 68 की उम्र, 66 हो या 60 या 30 या 40, आप पिछले रेखा की खूबसूरती को देखेंगे तो वक्त के साथ उनकी खूबसूरती में ज़रा भी बदलाव नहीं आया, वो निखरती गई हैं उम्र के साथ। ये बात अलग है कि असल ज़िंदगी में उनकी खूबसूरत ज़िंदगी नहीं बल्कि बहुत ही दर्द भरी ज़िंदगी ही रही है और काफ़ी दर्द से घिरी रही है उनकी ज़िंदगी। आज हम रेखा की ज़िंदगी का एक किस्सा फिर साझा करेंगे, उनकी शादी का। सवालों में हमेशा रहा है रेखा की शादी का सच। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेखा की शादी का वो सच कितना ज़्यादा डरावना है। 7 महीने की शादी को लेकर रेखा किस तरह से चर्चा में हमेशा रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेखा की शादी का सच कितना ज़्यादा वाकई में डरावना रहा है। सिर्फ 7 महीने ही रेखा की शादी टिकी है। जी हाँ, सिर्फ 7 महीने ही रेखा शादी के बंधन में बंध कर रह पाई और 7 महीने के बाद बर्दाश्त नहीं हो सका उनका शादी का रिश्ता। 90 के दशक में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के साथ शादी रचाई थी। मुकेश अग्रवाल नाम के उस बिजनेसमैन के साथ रेखा ने शादी की थी, जिन्होंने क्रोनिक डिप्रेशन की वजह से अपनी जिंदगी से अलविदा कह दिया था। शादी के साल भर के अंदर फिर रेखा को क्रूसीफाइड कहा गया, ब्लेम किया गया था अपने हस्बैंड की डिमाइज के पीछे की वजह माना गया था, नेशनल वैम्प तक करार दिया गया था रेखा को, क्योंकि शादी के 7 महीने में ही उन्होंने अपने शादीशुदा रिश्ते का अंत पाया और बहुत ही दर्द भरे तरीके से। लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे रेखा हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में दर्द ही बटोरेंगी। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि रेखा की ज़िंदगी का ये एक कड़वा सच है जो कांजीवरम सिल्क में नज़र आती है आपको, मुस्कुराती सिंदूर लगाती उनकी ज़िंदगी में हम सफ़र आज भी नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।